नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्टॉक की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो स्टॉक बताऊंगा जिनमें आपको कल यानी फ्राइडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप वीडियो बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं उसमें कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरी यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश अवेलेबल होते हैं, कोई फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता। तो अगर अपने को वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूँ मेरी, इसमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आप चाहें तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके भी धीरे धीरे सीख सकते हैं और सीख के किसी ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में आज जो दो स्टॉक दिए थे उनकी परफॉर्मेंस में कैसे देखने को मिली। दोस्तों, मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था टाटा एल्क्सी का, टाटा एल्क्सी मैंने आपको बाई दिया था 1600 के ऊपर। तो यहाँ पर बाई को तुम्हारे कुछ दिन में कहीं भी एक्टिवेट नहीं हुई क्योंकि स्टॉक ऊपर गया ही नहीं। अगर बात करो सेल साइड, मैंने आपको सेल दिया था 1578 के नीचे। तो यहाँ पर स्टॉक ने गैप डाउन ओपन किया, इसने ओपन किया 1571 पर और यहीं से स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। तो आपको इसमें एंट्री का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन अगर बात करें स्टॉक का सिलेक्शन की तो आप देख सकते हैं। देखिए, स्टॉक का गैप अप या गैप डाउन ओपन होना हमारे हाथ में नहीं होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसे ओपन होगा। लेकिन आप जो स्टॉक सिलेक्शन की बात करें, आप उसके मूवमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसने ओपन किया 1571 पर और स्टॉक ने यहाँ पर लो लगाया 1501 का। ऑलमोस्ट में 70 पॉइंट का इसमें मूवमेंट देखने को मिला, डाउन साइड में बहुत ही बेहतरीन फॉल देखने को मिला। तो इसमें हमारी एंट्री नहीं हुई पर लेकिन मूवमेंट इसकी काफ़ी बढ़िया रही। तो चलिए देखते हैं जो दूसरा स्टॉक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था स्कार्ट का, देखिए स्कार्ट का मूवमेंट काफ़ी बुरे टाइल है। शुरू में अगर बात करें, मैंने टाइम लिमिट कर दिया 1 मिनट का ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए, इसने ओपन किया 1200 पर, यहाँ पर हमारी सर्कल एक्टिवेट हुई, इसने लो लगाया 1190 का, इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 1192 का, इसने हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया। लेकिन स्टॉक की मूवमेंट 1 मिनट की कैंडल में ही इसने स्टॉक ने अपसाइड में जाकर क्लोजिंग दी हुई, तो आपको इसमें एंट्री का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। और बात साथ ही अगर बात करें बाई साइड की, मैंने आपको बाई था 1210 के ऊपर, तो यहाँ पर हमारी बाई को एक्टिवेट हुई, इसने हाई लगाया 1215.95 का, ऑलमोस्ट इसमें हमें 6 पॉइंट जहाँ हमें मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया। तो इस कार्ड की पहली कैंडल की मूवमेंट काफ़ी वोलेटाइल रही, उसके बाद स्टॉक को फिर एक रेंज में ही चलता रहा। अगर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक अगर पहली कैंडल की मूवमेंट को छोड़ दें जो काफ़ी वोलेटाइल है, आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जिसने दोबारा जब हमारे सेल कॉल को एक्टिवेट किया है उसमें फिर एक अच्छा मूवमेंट में देखने को मिला। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने लो, इसने जब 1200 को नीचे की साइड ब्रेक किया है तो फिर स्टॉक काफ़ी यहाँ पर इसने लो लगाया 1185 का। तो अगर आपने इसमें दोबारा से एंट्री की होगी तो आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। आगे जाकर इस स्टॉक ने लो लगाया था यहाँ पर 1178 का। दोस्तों, अगर फ्राइडे के लिए हमारा पहला स्टॉक है यूबीएल का, देखिए यूबीएल स्टॉक का पूरे दिन एक छोटे से रेंज में चलता रहा, एक छोटे से चैनल में स्टॉक फंसा हुआ। अगर अपने इस चैनल से बाहर निकलता है, स्टॉक अपसाइड में जाता है, तो इसको हम बाई करेंगे 914 के ऊपर। स्टॉक लॉस हमारा 906 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 922, सेकंड टारगेट 930, अंतिम टारगेट रहेगा 938 का। अगर यूबीएल नीचे क्यों निकलता है तो उसको सेल करेंगे 905 के नीचे। स्टॉप लॉस हमारा 913 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 897, सेकंड टारगेट 889, अंतिम टारगेट रहेगा 881 का। दोस्तों, अगर आपको भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे, एक आप स्टॉक्स का, दूसरा एंजल ब्रोकिंग का। आप दोनों में से किसी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे ब्रोकर हैं, दोनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं, दोनों में आपको मार्जिन मनी का बेनिफिट मिलता है, तो उससे आप इंटरनेट में एक अच्छा आपको अर्न कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जब मेरे दिए गए लिंक पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट में इंटरनेट कुछ कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो उससे भी आप एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। तो अगर तक आपने अपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो फटाफट से अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए। हमारे अंतिम स्टॉक है पिडिलाइट का, देखिए पिडिलाइट स्टॉक ने फ्लैग पैटर्न बनाया है और स्टॉक ने बिल्कुल अपने टॉप पर अपने रेजिस्टेंस प्री क्लोजिंग भी दी है। तो अगर अपने स्टॉक हाई को ब्रेक करते हुए स्टॉक अपसाइड में निकलता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है कम से कम 1 मिनट तक, तो इसको हम बाय करेंगे 1600 के ऊपर। स्टॉक तो रहेगा हमारा 1590 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1610, सेकंड टारगेट 1620, अंतिम टारगेट रहेगा 1630 का। पिडिलाइट को हम सेल करेंगे 1585 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसमें 1595 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 1575, सेकंड टारगेट 1565, अंतिम टारगेट रहेगा 1595 का। दोस्तों, मैं आपको जो भी कॉल देता हूँ, चाहे वो आज की कॉल पिडिलाइट और यूबीएल की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, देखिए स्टॉक को सस्टेन करना जरूरी है। अगर स्टॉक कम से कम 1 मिनट हमारे बाई प्राइस के ऊपर सेल साइड के नीचे सस्टेन करता है तभी आपको इसमें एंट्री करनी होती है। अगर स्टॉक से प्राइस को टच करके वहाँ से रिवर्स होता है तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी होती, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आज का इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देखें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे, आपको वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।